हेलो आई एम डॉक्टर ऐश्वर्या मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हूँ इस सेशन में हम बात करेंगे समर स्किन केयर टिप्स जैसे आप जानते हो समर में बहुत पसीना आता है पहला प्रॉब्लम वो है पसीना हमारे बॉडी फोल्ड्स पे रुक के बहुत ज़्यादा इचिंग और ड्राइनेस करता है तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे धूप में तो जाना है काम तो करना ही है तो दो बार नहाना कॉटन कपड़े पहनना और घर पे जो कैलमाइन लोशन आपके पास होगा तो वो उस एरियाज में अप्लाई करके बहुत हद तक इस कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं बच्चों में रेड रैशेस हो जाते हैं जैसे पीठ में बॉडी फोल्ड्स में ये होता है बहुत खुजली जलन होने का चांसेस है तो तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करें बच्चों को कूल एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट में रखना जैसे हवा चल रही है एरेशन हो वेंटिलेशन हो अच्छे से कॉटन कपड़े पहना और कैलामाइन लोशन से भी बहुत हद तक इस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं दूसरा प्रॉब्लम है ये इन्फेक्शंस समर में पसीना मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है जैसे आप जानते हैं रिंगवर्म इन्फेक्शन जो हम फंगल इन्फेक्शन टीनिया कहते हैं ये बहुत लोगों को होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शनस है जो बच्चों में जैसे स्विमिंग वगैरह जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ हुआ है तो इसका ये मतलब है कि सफाई हाइजीन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दो दो टाइम नहाना अच्छे से कोई बैक्टीरियल्स एंटी बैक्टीरियल सोप या एंटी फंगल सोप यूज़ करना कैलोमाइन लोशन लगाओ जहाँ पे कुजली हो रही है या फिर मॉइस्चराइज़र लगाओ और टैलकम पाउडर जो है वो फोल्ड्स पे लगाएंगे तो आपके मॉइस्चर ह्यूमिडिटी और जो पसीना को अब्जॉर्ब करेगा और उस एरिया को ड्राई रहेगा जहाँ पे ड्राइनेस ड्राई एरिया है मॉइस्चर कम है वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है तीसरी चीज जो हम सारे फेस करते हैं सन टैनिंग ये क्यों होता है जनरली लोग कहते हैं कि मैं बाहर जाता नहीं हूँ मैं घर पे हूँ मुझे क्यों सनस्क्रीन पहनना है ऐसा नहीं है हमारे शीशे से जो धूप अंदर आ रही है या फिर कभी कभी बिना बताए बाहर जाना पड़ जाता है तो सनस्क्रीन हर दिन लगाना बहुत ज़रूरी है इसके वजह से ऐसे नहीं कि सिर्फ सन टैन को हम प्रिवेंट कर रहे हैं बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सन टैम में जो हम कहते हैं जैसे फोटोडोमाटाइटिस हो गया लंबा टाइम तक हम जाना चाहते हैं तो स्किन कैंसर को प्रिवेंट कर दिया तो ये सारे चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है डिहाइड्रेशन इतना पसीना इतना ज़्यादा धूप काम तो करना है पानी एटलीस्ट थ्री टू फोर लीटर्स एवरी डे पीना बहुत ज़रूरी है सीजनल फ्रूट्स फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स और आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है ड्राइनेस डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन ड्राई हो जाता है और ड्राई स्किन इज ऑलवेज प्रोन फॉर एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस तो ये सारे चीज़ें हम मैनेज करेंगे डाइट सही रखेंगे और हाइजीन और क्लेंलीनेस हम मेंटेन करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं थैंक यू